शुरू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं? आज हम बात करेंगे भैया टाउन कराची की मार्केट रेट्स की अपडेट के बारे में, और मैं आपको एक एक करके हर प्रेसिडेंट के बारे में, चाहे वो 125 गज हो, 250 गज हो और 500 गज हो, सबके रेट्स के बारे में बताऊंगा आपको। तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और हो सकता है कि उन रेट को सुनने के बाद या तो आप अपनी परचेजिंग न्यू करना शुरू कर दें, या तो आप अपने प्लॉट को बेचने में पुर उम्मीद हो जाएं कि आज वो मार्केट आ चुकी है और वो मेरा टाइम है बेचने का। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के खरीदने को बहुत ही आसान। तो आज मैं आप लोगों से बात यहां से शुरू करूंगा कि भैया टाउन कराची में 125 गज का प्रेसेंट एक ऐसा प्रेसेंट है जहां पर ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि वो लो इन्वेस्टमेंट कंसीडर करके भैया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टार्टिंग में जितने भी प्रेसेंट मौजूद हैं, प्रेसेंट 10, प्रेसेंट 11 बी, अली ब्लॉक, प्रेसेंट 15, 15 ए और 15 बी, ये सारे के सारे एक ही लाइन में आते हैं। अगर मैं आपको मेन जिना एवेन्यू के साथ रहते हुए स्टार्टिंग से अगर बात करूं, तो अली ब्लॉक एक ऐसा प्रेसेंट है जहां पर पिछले 6 महीने में जितनी भी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, आज के दिन अली ब्लॉक में आपको एक जनरल प्लॉट, क्योंकि अली ब्लॉक आपको पता होगा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक बिल्कुल लोअर साइड है और एक बिल्कुल अपर साइड है, तो वहां पर मिनिमम साइड पे आज आपको 45 लाख से लेकर 80 लाख रुपए की रेंज में आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है वहां पर। उसके रेट होने की वजह इसलिए क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो इसलिए वहां पर रेट थोड़े से ज्यादा। आप 10B और 11B की बात करें, दोनों आमने सामने प्रेसेंट है, वहाँ पर अभी इस टाइम 125 गज का जो रेट है वो तकरीबन आप समझें 40 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए की रेंज में आपको इन 10B और 11B के प्रेसेंट में आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल हो रही है, लेकिन कंपैरेटिवली अली ब्लॉक से बहुत ही कम है, लेकिन अच्छी खासी अब भी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वो एक फ़ेज़ में लोग मौजूद हैं एरिया में, अप्रूवल्स में और इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रेसेंट 15, जो कि अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने ऑपोजिट रोड के ऊपर है, बहुत ही अच्छी जगह है, बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आज आपको अप्रॉक्स मिल जाता है 50 लाख से 60 लाख की रेंज में एक बहुत अच्छा सा बेहतरीन प्लॉट। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन अच्छी खासी हो गई है, अली ब्लॉक से सेम वही बात है, क्योंकि अली ब्लॉक सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई हुई जगह है, तो इसलिए वहाँ का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास प्रेसेंट 15 में अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जो लोग जिना एवेन्यू के साथ कनेक्टेड रह के रहना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो प्रेसेंट 15 में आज भी एक अच्छा सा प्लॉट 60 लाख की मैक्सिमम रेंज में आपको प्लॉट मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं प्रेसेंट 14 की। प्रेसेंट 14 अभी इस टाइम सेम, उसका भी 50 से 60 लाख की रेंज में वहाँ पर भी आपको अच्छा सा प्लॉट मिल जाता है। 15A और 15B बिल्कुल 15 के साथ साथ बना हुआ है, लेकिन ये दोनों प्रेसेंट एक ऐसे प्रेसेंट हैं जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट। यहाँ पर भैया टाउन बहुत जोरों शोर से अपना काम, वर्क इन प्रोग्रेस है, अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। प्रेसेंट 15A में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, 15B अभी समझिए आप वो फेज़ 2 की बात है, कि पहले फेज़ 1 15A कंप्लीट होगा, देन भैया टाउन फेज़ 2 की तरफ 15B में जाके कंस्ट्रक्शन करेगा। तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स 32 से 40 लाख की रेंज में प्लॉट मिल जाता है 125 गज का, दोनों कनेक्टेड है प्रेसेंट 15 के साथ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि आज के दिन 15 में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 15A और 15B में ले लें। हाँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी आप नहीं करवा सकते, क्योंकि बैरिया ने अभी यहाँ पोजेशन नहीं दिया हुआ, तो डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको साल दो साल में उसका रिटर्न भी मिल जाए, क्योंकि आपके सामने कि 15 का रेट कहाँ है और 15A आपको किस रेट पे मिल जाता है या 15B, तो आपके पास प्राइसेस इंक्रीज होने के भी चांसेस हैं। फिर हम आगे आते हैं प्रेसेंट 27 की तरफ आ जाते हैं, प्रेसेंट 28 की तरफ आ जाते हैं। ये दोनों प्रेसेंट आपके कनेक्टेड हैं डांसिंग फाउंटेन और ये जिना एवेन्यू के साथ, यहाँ पर भी आपको लगभग 40 लाख से आप समझें 55 लाख की रेंज में आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। 27 में फिर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, लेकिन 28 डांसिंग फाउंटेन की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मशहूर है, लेकिन उसकी प्राइसेस इसलिए ज़्यादा हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखा जाए वहाँ पर अभी बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई। हम फिर इसके बाद देखते हैं प्रेसेंट 25।
और प्रेसेंट 24 और प्रेसेंट 23, ये वो प्रेसेंट है लाइन से जो बहरिया टाउन ने अच्छी खासी डेवलपमेंट कंप्लीट की हुई है। और यहाँ पर प्रेसेंट 25 में तो अलबत्ता कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्रेसेंट 24 में अभी तक शुरू नहीं हुई और साथ ही साथ प्रेसेंट 23 में शुरू नहीं हुई, लेकिन इन प्रेसेंट्स में आपको लगभग मिल जाता है प्लॉट 22 लाख की रेंज से लेकर 30 लाख की रेंज में, आपको इन तीनों प्रेसेंट में 125 गज का मिल जाता है। डिस्टेंस वाइज बात करूँगा तो ये आप शायद जानते होंगे कि ये जिना एवेन्यू से थोड़ा अंदर जाकर है, इसलिए इनका रेट जो है कम है। 26 ए और प्रेसेंट 25 ए, ये दोनों ऐसे प्रेसेंट हैं जो कि थोड़े से डिस्प्यूटेड एरिया में रहे। इसमें दो तरह की चीज़ें, एक वो एरिया है जो कि बहरिया सेफ जिसको कहता है, वो आज के दिन 26 ए में तकरीबन आपको मिल जाता है, वो प्लॉट 22 लाख से 27 लाख की रेंज में आपको प्लॉट वहाँ पर जो कि सेफ होगा लेकिन बना हुआ नहीं होगा, इस रेंज में आपको मिल जाता है। और आपको अगर रेडी प्लॉट है तो 26 ए में तकरीबन आपको 32 लाख से फिर ऑनगोइंग 35 लाख 36 लाख की रेंज में आपको प्लॉट मिलता है। 25 ए में अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी, बहुत ही छोटी सी गली बहरिया ने अगर बनाई भी होगी तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको तकरीबन आप समझें 21 से 22 23 लाख की रेंज में आपको वहाँ पर भी प्लॉट मिल जाता है। तो जो लोग लो इन्वेस्टमेंट सोचते हैं और डिस्टेंस भी करीब चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो 26 ए सेफ एरिया या 25 ए का सेफ एरिया में ले लें, वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 31 बहुत ज़्यादा 125 गज़ में डिमांड पर आए क्योंकि वो आपका स्टेडियम उसके पास है, आईफिल टावर का व्यू है और सामने इमाम बारगाह मौजूद है और वो रिहाइश वाली पूरी जगह है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहा है। तो इसलिए 125 गज़ का जो रेट था ना, वो आप तकरीबन आप समझे 18-20 लाख रुपए में आज से 6 महीने पहले ट्रेड होता था, आज वो वाले प्लॉट्स आप समझें 35 लाख 32 लाख 40 लाख की रेंज तक पहुंच चुके हैं। तो ये एक अच्छा प्रेसेंट है, जो लोग फॉरेन इमीडिएट प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करवा के रिहाइश करना चाहते हैं तो उनके लिए अली ब्लॉक के साथ साथ ये वाला भी एक प्रेसेंट है जहाँ पर वो रिहाइश पजीर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल 125 गज़ तक महदूद रहता हूँ, 125 गज़ में उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस 125 के हवाले से जो जो लोग उनकी अगर कोई क्यूरी है और उनको कुछ पता करना है 125 गज़ के हवाले से तो आप मुझसे ज़रूर रابطہ कर सकते हैं या मेरी टीम से رابطہ कर सकते हैं। और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इसी तरीके से बहरिया टाउन की प्राइसेस की न्यूज़ इसी तरह देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।